हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में अगेन यहाँ पर एक रैली चलती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 1% मार्केट यहाँ पर ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर नैस्डैक भी देखेंगे तो नैस्डैक भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा और इसका इफेक्ट हमारे जो मार्केट है इंडियन मार्केट में, जो आज लगभग कितना लगभग लगभग 0.42% यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक बेहतरीन रेजिस्टेंस सपोर्ट को यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सपोर्ट को यहाँ पर इसने होल्ड कर रखा है। तो एग्जैक्टली हमारे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे जानेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 8860540501, 8169261037। इस पे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा कोर्स केवल वन वन ऑन वन क्लासेस में 15,000 रुपीज में सीख सकते हैं। तो क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डो जोन्स की। डो जोन्स अपने जो मेरा ये लेवल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है 32,500, 32,559 के आसपास। और इसे टच करके ये यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉटम आउट मुझे यहाँ पर एटलीस्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर केवल हायर लोज लगते हुए दिखाई देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। जब ये मार्केट गिरी थी तो लोअर लोज लगते हुए दिखाई दे रहे थे, अब हायर लोज लगते हुए दिखाई देंगे और मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो इसकी तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और इसके लिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है, ये वाला 31,078 के आसपास, और रेजिस्टेंस आपके सामने है। ओके, यहाँ पर 32,500 के आसपास का यहाँ पर एक बेहतरीन रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर नजर आता है। इसके अगर क्रॉस किया तो सीधे 34,000 के लेवल की तरफ जाएगा। इसके अलावा नेस्डेक भी देख सकते हैं, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ है। और जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पर तोड़ देगा तो याद रखिए मार्केट में एक तेजी होगी जो इसे सबसे पहले तो यहाँ पूरे 12,000 की तरफ लेके जा रही है और उसके बाद 12,700 की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पर नेस्डेक से हमारा सीधा ताल्लुक यहाँ पर निफ्टी आईटी से होता हुआ दिखाई देता है। तो हम एक एक करके अपने बाजार की तरफ गौर फरमा लेते हैं। मार्केट में अनिश्चितता थी, ओके, यहाँ पर चाइना के बाजार गिरे हुए थे, इस वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट में आया। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद गिरता हुआ नजर आया और लगभग 75% यहाँ पर निफ्टी 50 नीचे आया। तो हमें वैसे तो हमें निफ्टी 50 या मिड कैप स्मॉल कैप से लेना देना नहीं होता इंडेक्स से, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हमारी परफॉर्मेंस को बताते हैं। बट स्टिल ये देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके बेसिस पे हमें आइडिया लगता है कि हमें कब सेल करना है, कब बाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। अगर ये सपोर्ट कल की डेट में तोड़ देता है, जो कि मुश्किल है क्योंकि जब तक मार्केट ऊपर है ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट बाई चांस गिर जाती है, जो कि डेली ड्रामे हो ही रहे हैं यूएस मार्केट में, अगर वैसा कुछ ड्रामा होता है कि ऊपर चल के नीचे गिरता है तो उस केसेस में क्या हो सकता है, उस केसेस में जो हमारा मार्केट है यहाँ पर दोबारा गैप डाउन हो सकता है। और यहाँ पर जो सब हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट नजर आता है 17,436 के आसपास का, फिर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज इसने होल्ड कर रखा है और यहाँ से सीधे कल एक जो रैली होती हुई दिखाई देगी तो शायद हमें 17,938 का लेवल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और इसे भी क्रॉस कर दिया फिर 18,088 का लेवल मेन होता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी तरफ हमें क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान दे देते हैं। एक मिनट दीजिएगा, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन क्या है, यहाँ पर सामने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और इस रेजिस्टेंस से अगर इसने क्रॉस किया तो एक नई रैली होती हुई दिखाई देगी। और ये इंडेक्स यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इसका ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और जैसे ये क्रॉस हुआ जिस तरह और अच्छे खासे बैंक के नतीजे भी आ रहे हैं वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसने क्रॉस किया तो तेजी होती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज नीचे के लेवल की बात करूं तो नीचे यहाँ पर इसका 39,833 का लेवल फिक्स है और ऊपर जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट 41,737 को यहाँ पर निकालता है तो एक तेजी होती हुई यहाँ पर भी दिखाई देगी। तो यहाँ पर ट्रैप होने की जरूरत नहीं है जब तक यहाँ पर अच्छे से या तो ऊपर ना निकाल दे या फिर यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में ना आ जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद तेजी होती हुई दिखाई देगी, कल शायद इसे टच करके या फॉल्स ब्रेकआउट देके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा बिवेयर रहिएगा। इसके अलावा मिड कैप की बात करते हैं, मिड कैप आप देख सकते हैं मिड कैप में एक लगातार तेजी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। ओके, एक रेजिस्टेंस पॉइंट इसके सामने है ये वाला
बट मेन रेजिस्टेंस पॉइंट ये है। और जैसे ही कल अगर मार्केट अच्छा खासा ओपन होता है तो हमें ये लेवल के आसपास हम यहाँ पर देख सकते हैं इस अपने निफ्टी मिड कैप को, या 31,164 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ केवल कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करेगा तो 31,500 और ऊपर का लेवल यहाँ खुला हुआ है। बाकी नीचे की बात करें तो 30,170 के आसपास का यहाँ पर लेवल हमें दिखाई देता है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी के साथ गिरावट, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया है, ओके, एक बेहतरीन सपोर्ट है। और यहाँ पर इससे पहले एक सपोर्ट 9,423 का है, ओके, ब्रेक यहाँ पर हो चुका है, सॉरी सपोर्ट यहाँ पर 9,685 का है। और जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को 9,786 को ये क्रॉस करता है तो ये सीधे यहाँ पर 10,157 जो ये लेवल है इधर जाएगा, और इसे भी क्रॉस कर देता है तो ये फिर यहाँ पर सीधा 11,000 की जर्नी तय करता हुआ दिखाई देगा, जो कि मुझे लगता है करेगा, क्योंकि अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर है। इसके अलावा निफ्टी आईटी भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो निफ्टी आईटी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जो ब्रेकआउट था ना, वो ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। अब क्या है, अब इसका नेक्स्ट लेवल है 29,403। 29,403 को जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट को निकाला तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे सीधे लेके जाएगी 30,414 के आसपास। तो जैसे कि मैंने बताया नैसडैक का सीधा रिलेशन इसके साथ होता है, नैसडैक में तेजी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कल आप 29,331 का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम और भी आप देखना चाहे तो ऑटो को देख सकते हैं। ऑटो लगातार यहाँ पर तेजी में था, एक कंसोलिडेशन, यहाँ पर गिरावट हुई, ऑटो के नंबर अच्छे खासे आ ही रहे, तो इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है ये वाला। जब तक इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं निकालते तब तक तेजी नहीं करनी है, और अगर यहाँ से गिरता है तो फिर दोबारा यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं निफ्टी मेटल की। मेटल आपको पता ही है बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, इसके लिए ये सपोर्ट बने हुए हैं 5,667 और 5,060 का, और रेजिस्टेंस 6,304। तो ये इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं पीएसयू बैंक, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासे तरीके से भाग रहे हैं और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर दिए भी है और ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पॉइंट के भी यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर और तेजी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट ये हो चुका है। तो ये पर्टिकुलर जो है 39,010 के आसपास, या फिर यहाँ पर 43,11 के आसपास यहाँ पर पीएसयू बैंक जा सकता है। तो पीएसयू बैंक की तरफ भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बट कुछ ही पीएसयू बैंक की तरफ ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। निफ्टी फार्मा की बात करें, क्योंकि निफ्टी गवर्नमेंट स्टॉक्स यहाँ पर चलते नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फार्मा की बात करें। फार्मा जैसे कि मैंने बताया था थोड़ा सा टाइम लेगा, 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ये अपनी ऊंचाइयों को यहाँ पर तय करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। जैसे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट को इसने निकाला तो सीधे यहाँ पर 13,000 और 14,000 का ये लेवल आता हुआ इसमें दिखाई देगा। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स की तरफ, ये पर्टिकुलर इंडेक्सेस की तरफ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी अच्छी खासी यहाँ पर तेजी हो गई है, ओके, जब तक यहाँ पर ये 45,234 का लेवल ना निकाल दे तब तक बाइंग करनी नहीं है, अदरवाइज नीचे का लेवल यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर फिर दोबारा गिरावट हो सकती है क्योंकि रिजल्ट फीके ही आ रहे हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, और जो ये शेयर है इनकी इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस अपने स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर हमने वीडियोस बना दिए काफी सारी, तो इन वीडियोस को जाके देख लीजिएगा। चेन्नई पेट्रो से रिलेटेड एक वीडियो अभी डाली है जहाँ पर Q2 के रिजल्ट ने निराश किया और चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। और बाकी हमारे कोर्स के लिए इन पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।